बच्चों, मैं जो पिछली क्लास बच्चों एक दो चीजें छूट गई थी, टाइम कम मिला था, तो मैं सोच रही थी ऐसे ही। हालांकि बहुत सारी चीजें उसमें पूछी नहीं जाती, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग न्यायिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। आपने क्या सुना है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में? यस मैम। जी क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? या लोक अदालतों के बारे में सुना है? यस मैम, लोक अदालत। नालसा के बारे में सुना है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में बच्चों
चर्चा की गई है किसकी 39A की, और इसी के अंतर्गत मैं अभी जो टर्म्स मैंने आपको बताए लालसा या मैंने आपको बताए लोकहितवाद या मैंने बताए जनहित याचिकाएं, ये इसको पूरा करने के लिए ये क्या की गई है, इसको प्रदान किया है। एक एक लाइन में मैं समझाने का प्रयास करूंगी। लोकहित जनहित याचिका का मतलब बिना पीड़ित के न्यायालय या कोर्ट में गए अगर थर्ड पार्टी भी उसको क्या है उसके हक के खिलाफ या उसको न्याय दिलवाने के लिए न्यायालय में जाकर उसके समर्थन में और उसको न्याय प्रदान करने के लिए याचिका दायर करती है जिसका इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं या आप सड़क पे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कुछ लोग दबंग हैं, वो एक गरीब को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, गरीब इतना असमर्थ है कि वो कोर्ट में नहीं जा सकता, अपने दुख दर्द को बता नहीं सकता। आप क्या है, आपको समाज को जागृत करने में या समाज का भला करने में आपको बहुत सोशल वर्कर है। अगर आप वहां पे जाते हैं न्यायालय में और कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ क्या हुई है अत्याचार हुआ है या उसको इस तरीके से उसके अधिकारों का हनन हुआ है, अगर आप याचिका दायर करते हैं तो आपकी याचिका को उस व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है उसके समेवर में लेते हुए न्यायालय उसको सुनेगी। इसका सीधा सा मतलब है पीड़ित व्यक्ति के बिना न्यायालय में गए हुए अगर उसके हक में उसकी आवाज को किसी तीसरे पक्ष के द्वारा जब याचिका के तौर पर दाखिल किया जाता है तो हम इसको बोलते हैं जनहित याचिका, ठीक है, या लोकहित में पब्लिक मतलब वेलफेयर में इस तरीके की भारत में जो ये अवधारणा लाए थे पीएम भगत, यही से एक मैंने ये लिखी ये बेस है 39A। ये कहता है सभी को न्याय सुलभ होना चाहिए, निशुल्क होना चाहिए और सभी को बिना किसी भेदभाव के न्याय क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि हम व्यक्ति कोई भी है हमें तो लगता है कि भविष्य में वो मुद्दा हमें हल्ला कर सकता है, कुछ भी मुद्दा हो तो समझा दो कि कोई ऐसा है जिसके तहत तो थोड़ा लगता है कि निवारक निरोध की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पढ़ेंगे, इसको हम डिटरेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति जो संभावना के आधार पर कि ये हमला किसी को करने वाला है या लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला है या लॉ एंड ऑर्डर को खतरा पहुंचाने वाला है तो उसके ऐसा करने से पूर्व ही उसको नजरबंद करना, इसको बोलते हैं क्या, निवारक निरोध। आप बहुत पढ़ने वाले हो फिलहाल अभी इसको शुरू करें, मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगी, कोई व्यक्तिगत हमले की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत हमले की, तो आप सरकार को कहेंगे कि ये मुझे करने वाला है तो हो सकता है कि आपके फेवर में यहाँ पे बात कर रहा पब्लिक की बात कर रहा तू व्यक्तिगत तौर पे कह रहे हो कि सार्वजनिक तौर व्यक्त तो आप पुलिस को कंप्लेंट करोगे ना कि बड़े क्या नहीं पहुंच पाए पुलिस में तो आप तब जब हमला हो जाएगा तब थर्ड पार्टी जाएगी पुलिस के पास भैया उसके बाद क्या हो गया हमला हो गया है हम वापस आए, ठीक है, तो जनहित याचिका पीड़ित पक्ष जिसको पीड़ा हुई है उसके फेवर में जो न्यायालय में क्या है याचिका दायर है इसी को लेकर एक कॉन्सेप्ट आया है बच्चों लोक अदालत, ठीक है, सिविल मामलों को लेकर जो सिविल मामले हम चर्चा कर रहे थे उनको लेकर ये लोक अदालत ये आर्टिकल 39A को पूरा करने के लिए कि इसमें बिना फीस अब जो अदालती जो फीस है या जो वकील का जो शुल्क होता है
उसमें आप पर्सनली मतलब आपसी सहमति समझौते के द्वारा इन अदालतों की कार्यवाही हो सकती है। सबसे पहले गुजरात में 1982 में प्रथम लोक अदालत की शुरुआत की गई थी। पीएम भगवती 1985 में दिल्ली में औपचारिक रूप से पहली लोक अदालत लगाई गई। लोक अदालत की जो प्रकृति होती है बच्चों, ये कैसी होती है? लोक अदालत की जो प्रगति होती है ये कैसे होती है? आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा होती है। अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष से सहमत नहीं है तो आप दूसरे कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन आपसी सलाह मशवरा करके भी विवादों को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है लोक अदालत या ये, क्योंकि हमारी न्यायपालिका के पास काम का बहुत ज्यादा वर्क है, इतने सारे केसेस आते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो पाती, इसलिए गरीब पिछड़े और वंचित तबके को न्याय सुलभ करवाने के लिए और उनको 39A के तहत उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये प्रावधान किया गया है। मैंने कहा कि ये मतलब आपस में इस तरीके की होती है, म्यूचुअल होती है, आपस में सहमति के द्वारा होती है। इनके द्वारा दिए गए या इन न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध आप अभिनय नहीं कर सकते। आप सहमत नहीं हो तो आप दूसरे सामान्य कोर्ट में अपनी अभिनय दायर करो। एक और होता है फैमिली कोर्ट, जो पति पत्नी के रिश्ते होते हैं, संपत्ति के विवाद होते हैं या और उनके पुत्र के पितृत्व के निर्धारण के जो मामले होते हैं, इनके लिए फैमिली कोर्ट भी हमारे यहाँ पर व्यवस्था है, जिसको हम परिवार न्यायालय कहते हैं। हाँ, ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि फैमिली कोर्ट में अगर दोनों पक्ष सहमत नहीं है, पति पत्नी अगर सहमत है तो ठीक है, अगर सहमत नहीं है तो वो दूसरे अन्य न्यायालयों में भी वो याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन पहले अगर दोनों के बीच कोई तलाक को लेकर या कोई असहमति होती है तो फैमिली कोर्ट में मामले को निपटाए जाते हैं। एक और पॉइंट है बच्चों, प्ली बार्गेनिंग, नाम सुना है? प्ली बार्गेनिंग, इसका मतलब है दोनों ही पक्ष, वादी और प्रतिवादी, एक जो पीड़ित है और जो दूसरा जिसको क्या किया गया है, जिसने अपराध किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? वादी और प्रतिवादी। दोनों के बीच में न्यायालय में जाने से पहले ही आपस में गुपचुप मंत्रणा होती है। अपराधी कहता है कि ठीक है, मैं अपराध स्वीकार कर लूंगा, लेकिन तुम मुझे इस बात की अश्योरिटी दो कि मुझे ज्यादा क्या नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी। तो न्यायालय में गया बैठक, लेकिन आपस में ही इन्होंने म्यूचुअल क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली। किसने? वादी प्रतिवादी ने। उन्होंने कहा कि देखो तुमने मेरे खिलाफ क्या किया है, अपराध किया है, सजा तो मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ न्यायालय के सामने, लेकिन मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन तुम मुझे ये गारंटी दो, क्या कर दो कि मुझे बहुत ज्यादा दंड ना मिले, बहुत सा मिले या कम सजा मिले, या जो 14 साल की मिल रही है 2-4-5 साल में क्या हो जाए, निपट जाए। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा इसको क्या है, प्रचलित है। भारत में हालांकि इसको कुछ मामलों में स्वीकार किया गया है, परंतु महिलाओं और बच्चों पर इस तरीके की अगर भी बार्गेनिंग होती है तो इसको न्यायालय ने पूरी तौर पर क्या किया है, खारिज किया है। क्यों? क्योंकि अगर ये मैटर रहेगा तो जाहिर सी बात है महिलाओं और बच्चों पर जो भी अत्याचार होगा तो जो कौन है, दूसरा पक्ष है, वो इनको डरा धमका कर अपनी सजा को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। नाम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला विधिक प्राधिकरण, राज्य विधिक प्राधिकरण, हाईकोर्ट विधिक प्राधिकरण, मतलब वंचित तबके को, गरीब तबके को, इन लोगों को आर्टिकल 39 के थ्रू इनको निशुल्क न्याय कानूनी सहायता पहुंचाना या वकीलीय परामर्श से इनको छूट पहुंचाने के लिए एक तरीके की ये जो नालसा है, जिला विधिक प्राधिकरण हर जिले में अपने अपना स्थापित होता है, इनके अंतर्गत क्या है, इनकी स्थापना की गई है ताकि गरीब वंचित वर्ग को बिना अदालत के किसी भी खर्चे के अपने न्याय को सुलभ करवाया
जुडिशियल एक्टिविज्म, क्या कोई जानता है कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है? क्या सुना है आपने न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये वर्ड सुना है? कौन सक्रिय होगा, मैं, आप, पीड़ित पक्ष, वादी, प्रतिवादी या न्यायालय? That's it. समाज में कोई घटना घटी, उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने क्या किया, कोई कार्रवाई की? कि आपको पता है कोई भी घटना घटती है तो पहले क्या दाखिल की जाती है, FIR है ना, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, हाँ, फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। हो सकता है कि वो जिसने ये अपराध किया वो इतना ज्यादा मजबूर हो या दबंग हो या पावरफुल हो, उसके खिलाफ उसने जो अपराध किया उसको पुलिस ने FIR के तौर पर दर्ज नहीं किया, वो सारी चीजें पेपर में आई, सब कुछ हुआ, आए तौबा मचा, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं हुई, पीड़ित पक्ष बार 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 ये कह रहे, क्योंकि ये सारी चीजें छप रही है किसमें, पेपर में छप रही है। आपको पता है आजकल किसका जमाना है, सोशल मीडिया का, तुरंत वीडियो बन जाता है, तुरंत प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्टिव हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए ये सारी न्यूज, ये सारी खबरें न्यायालय तक पहुंची, जजेस तक पहुंची, उन्होंने पढ़ा, सारी चीजों का अवलोकन किया, तो वो स्वयं एक्टिव हो जाते हैं। ना तो वादी गया जिसको खिलाफ अपराध हुआ है, ना ही कोई सोशल वर्कर गया, जैसा कि जनहित याचिका में मैंने बताया। यहाँ पर स्वयं न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा सक्रियता दिखाते हुए उस पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में जज प्रशासन को फटकार लगाई जाए कि आप इसके मतलब FIR दर्ज करो या जो भी इसके न्याय न्यायोचित कार्यवाही है इसको करो। तो जब न्यायालय स्वयं सक्रिय होकर न्याय दिलाने के लिए पहल करता है तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ज्यूडिशियल एक्टिविज्म। दो बात ध्यान रखना, ज्यूडिशियल रिव्यू अलग है, ज्यूडिशियल एक्टिविज्म अलग है। न्यायालय के द्वारा स्वयं सक्रिय होकर पुलिस प्रशासन को अपना कार्य करने के लिए कहना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यायिक सक्रियता, ठीक है। वो तीन चीजें थी जिसको मैं बताना चाह रही थी। अब हम वापस आते हैं, आज के टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों, जो है आपका फंडामेंटल राइट। कितने फंडामेंटल राइट है जिसका वर्णन किसमें है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल पर? आपने 14 से 32 नहीं बोला, 12 से 21। पूर्ण संविधान में कितने थे? 7। पहला आर्टिकल कितने हैं? 14 से 18 कितने हैं? मुझे लगा 4 और 8, 4 बोलेंगे आप 14 से 18। दूसरा चौथा
छठा क्या था? संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 जो कि विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत उसको विधिक अधिकार बना है, समाप्त नहीं किया गया, विधिक अधिकार में ट्रांसफर कर दिया गया। इसका तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का हनन होता है तो उसी के कोर्ट में नहीं जा सकता है, मतलब उसको न्यायालय के द्वारा रिट याचिका दायर करने का क्या होगा, अधिकार नहीं होगा। लेकिन उसके संपत्ति का क्या किया जाएगा, संरक्षण के लिए अलग प्रावधान किए जाए। छठा, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि हाई कोर्ट, दोनों जगह जा सकता है। हाई कोर्ट जाएगा किस आर्टिकल के थ्रू, 200, और सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इतना तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। हमारा जो संविधान का भाग 3 है उसे बोला जाता है क्या, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा के बारे में आप जानते हैं कि ये कहां पर, ये चार्टर रहते हैं नागरिक अधिकारों का, सबसे पहले इंग्लैंड में कब, 1215 में नागरिक अधिकार चार्टर एक्ट को राजा ने, मतलब जो वहां का तत्कालीन राजा था, उन्होंने नागरिकों को कुछ अधिकार पत्र दिए जिसको कि बोला जाता है मैग्ना कार्टा। आपको अगर थोड़ा सा पता ही है कि शुरुआत में क्या था, राजतंत्र था, राजा के विरुद्ध जनता को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। शुरुआती तौर पर 1215 में इसमें इस मैग्ना कार्टा के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की स्वतंत्रता इंग्लैंड में चर्चा की गई। हालांकि तब भी राजा की निरंकुशता या राजा के अधिकार क्या थे, बहुत अधिक थे, और जनता के अधिकार क्या थे, बहुत ही कम थे। इंग्लैंड की बात करूं, आपको पता है 1688 में, 1688 में इंग्लैंड में क्या होती है, रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। क्यों हुई थी, क्योंकि जनता ने यह मांग की थी कि आपके अधिकार, जो आपका जो पावर है, आपकी जो शक्ति है, उसको हम नहीं मानेंगे, आप इसको, हम ये तय करेंगे कि हमारा राजा कौन होगा। विलियम ऑफ ऑरेंज को जनता ने क्या किया था, उनकी जो पुत्री थी राजा की, उनके दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज को आमंत्रित किया था कि वो हमारा सत्ता नसीब हो, और हम ये तय करेंगे कि कौन बनेगा इंग्लैंड का शासक। तत्कालीन राजा गद्दी छोड़कर भाग गया और विलियम ऑफ ऑरेंज इंग्लैंड की गद्दी पर बैठ। ये जो 1688 का जो रक्तहीन क्रांति है, ऐसा राजा जो जनता के लिए तय किया है और जनता ये चाहती है कि हमारे कुछ अधिकार हो, इसी को पूरा करने के लिए 1689 में इंग्लैंड में चार्टर एक्ट को मतलब एक संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। सबसे पहले वर्ल्ड में मैग्ना कार्टा में चर्चा होती है और आगे चलकर इंग्लैंड में 1689 में इंग्लैंड के संविधान में इसको संवैधानिक आधार प्रदान किया। आपको पता है इसके 100 साल बाद
घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया और ये कहा गया कि नागरिक मानव होने के नाते ही हमको कुछ क्या मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। अभी मैं इन्हीं बता रही हूँ व्हाट इज राइट, इन्हीं बता रही हूँ कि अधिकार क्या है, थोड़ी देर बात बताऊंगी, ठीक है। मैं चाहती हूँ डायरेक्ट आपको 12 से शुरुआत करती, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अधिकार क्या है, ठीक है। और ह्यूमन राइट, हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट में दोनों में डिफरेंशिएशन या दोनों में भिन्नता क्या है, अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अभी इनका संवैधानिक आधार पर कहां पर, फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकारों के अंतर्गत फिर से नागरिकों के कुछ अधिकार होने चाहिए, इस घोषणा पत्र में विश्व स्तर पर चर्चा की गई कि मानव होने के नाते उनको कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं अगर विश्व में किसी समय दूसरे देश में भी क्रांति हो रही थी, और वो कहा था, अमेरिका में, है ना। अमेरिका में 1786 में वहां पर स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, और 1789 में ही वहां पे फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा क्या लागू हुआ था, अमेरिका का संविधान, ठीक है, तब इसी 1789 में, ठीक है बच्चों। लेकिन जब वहां पे संविधान लागू हुआ 1789 में, तो वहां पे पहला मतलब संविधान कितने थे, कितने आर्टिकल्स थे, मात्र 7 थे। लेकिन वहां पे व्यक्तियों के मौलिक अधिकार की चर्चा, आपने रटा मारा होगा कि भारत में मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया, अमेरिका में, अमेरिका से, अमेरिका से, हमको बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, हमको बात कर रहे हैं फ्रांस की, लेकिन भारत ने किससे लिया, अमेरिका से। मतलब इसके बाद मूल संविधान में भी अमेरिका के क्या नहीं था, मौलिक अधिकार नहीं थे, जिसको कि बाद में संविधान संशोधन करके तब 1791 में क्या है, संविधान संशोधन करके अमेरिका में व्यक्ति के मौलिक अधिकार का क्या किया गया था, प्रावधान। तो अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसमें संविधान में व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का क्या था, वर्णन था। फंडामेंटल राइट्स को संवैधानिक आधार किस देश के संविधान ने प्रदान किया, अमेरिका, और अमेरिका से हमने अपने देश में ग्रहण किया क्या, मौलिक अधिकार। अब यहाँ पे हम मैग्ना कार्टा की बात करेंगे, तो हम कहते हैं कि जो भारत का भारतीय है वो क्या है, मैग्ना कार्टा है। तो हमने यहाँ पर इंग्लैंड से लिया, लेकिन फंडामेंटल राइट को हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से, क्योंकि पहली बार संविधान में शामिल किया गया था अमेरिका। इंग्लैंड का तो अलिखित संविधान है ना, वहां पर तो संविधान लिखित नहीं है, तो पहली बार इसको संवैधानिक तौर पर अमेरिका के संविधान से क्या किया गया था। आगे बढ़े, अगर हम भारत की बात करते हैं, तो हमको पता है कि जब संविधान सभा बन रही थी, तो संविधान सभा में कमेटी बनी थी अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग, थोड़ा सा उससे पहले की बात करते, ठीक है। सबसे पहले जब चार्टर अधिनियम बन रहे थे, ब्रिटिश काल में कई सारे एक्ट बने थे, मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि सर ने क्या पढ़ाया, आपको पता था कि भारत में शासन करने के लिए कई एक्ट अंग्रेजों ने अपने शासन काल में क्या किए थे, लागू किए थे, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर कब तक, 1935 के भारत शासन से। पहली बार जो ब्रिटिश एक्ट थे 1895 में, मतलब राइट्स होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए, 1895 के ब्रिटिश विधेयक में ये प्रस्ताव रखा गया था कि नागरिकों को कुछ क्या है, जो पराधीन कुल के नागरिक है उनको क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। आपको पता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो चुका था, जो भारत की, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडिया शुरू नहीं आप लोग, अगर आप हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उसके बाद फेज आता है मॉडरेट, मतलब उदारवादी, उसके बाद उग्रवादी, उसके बाद गांधी युग। तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यक्तियों के मौलिक अधिकार होना चाहिए इसमें स्वीकार
1917 में ही भारतीयों को नागरिकों के कुछ राइट्स होने चाहिए, कांग्रेस कार्यकारिणी ने इसको कब स्वीकार किया? 1917। ठीक है, अगला आपने नाम सुना होगा एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक्ट 1925। इस एक्ट के माध्यम से इन नागरिकों के अधिकारों या कह सकते हैं कुछ और फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, इस जो प्रावधान था इसमें बात की गई। अगली जो बात की गई बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं 1928 में एक रिपोर्ट आती है, मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। कौन सी रिपोर्ट थी? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में भी नागरिकों को ब्रिटिश शासन में कुछ अधिकार मिलने चाहिए, इस नेहरू रिपोर्ट में जिसकी चर्चा की गई। मैं यहाँ पे आपको क्या है हिस्टोरिकल इसका डेवलपमेंट बता रही हूँ। पहले ब्रिटिश शासन में 1895 1917 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने इसको किया, उसके बाद एली बेसेंट के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया, नेहरू रिपोर्ट में भी इस मांग को रखा गया, और इसके बाद बच्चों 1931 में मद्रास अधिवेशन जो हुआ इसमें भी इस मांग को आगे बढ़ाया गया, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द्वितीय गोल में सम्मेलन जिसमें गांधी जी प्रतिभाग, आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, क्या आता है, ऐसा कौन सा गोल में सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने प्रतिभाग किया, तो आपका उत्तर क्या होता है? द्वितीय। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही गांधी जी ने व्यक्तियों को कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए इस पर अपने विचारों को रखा, मतलब ये मांग रखी जा रही है, औपचारिक रूप से इसमें सहमति या देश नहीं बन पाया। और ये देश बनता है बच्चों जब हमारे संविधान की मांग को स्वीकार किया गया। आपको पता है 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, संविधान की जो मांग थी पाकिस्तान और भारत की, इसको पूरा करने में वो क्या होता है, समझौता कराने में असफल होता है, क्रिप्स मिशन असफल होता है। उसके बाद जिसने संविधान निर्माण की मांग स्वीकार की वो कौन सा, 1946 का कैबिनेट मिशन। हिस्ट्री में आपका बड़े शांत शांत है, मॉडर्न इंडिया शुरू नहीं हुई क्या? अच्छा यहाँ पहुंचे नहीं है, चलिए मैंने पहुंचा दिया। वापस आइए, कैबिनेट मिशन ने बोला कि ऐसा संविधान का निर्माण हो जिसमें नागरिकों के कुछ फंडामेंटल राइट होने चाहिए। संविधान सभा में इस बात की इसने संस्तुति, और जिसको संविधान में कि नागरिकों के कौन कौन से मूल अधिकार होने चाहिए इसमें एक एडवाइजरी कमिटी का गठन किया गया, मतलब परामर्शदात्री निकाय का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन में ये सारी चीजें एक एक को मैं बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में या एक एक मतलब पूछी जाएगी। 1946 में कैबिनेट मिशन ने क्या किया था कि संविधान में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिसमें नागरिकों के फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटीज के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का प्रावधान हो, और इसके लिए एक परामर्शदात्री समूह का गठन किया या परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और एक उप समिति का गठन किया गया, और वह उप समिति थी जे बी कृपलानी की अध्यक्षता में, और अल्पसंख्यकों सा यदि अरे उनको जो कोई अब
बेटा चलो मैं दिखाने जा रही हूँ। क्या हो गया तुम इसी सोच में मन में हो गए कि कौन मुझ पे हमला करे? क्या कहा किस दुनिया में मन हो? क्या बोलेगा समझ में नहीं आ रहा? मेरी क्लास में सो रहा था पहले से पहले वाली क्लास में सो जाते हैं मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अच्छा अभी चलो मैं दिखाती हूँ। उप समिति का गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में? परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में? अल्पसंख्यकों के अधिकार होने चाहिए इस समिति उप समिति का गठन किया गया एच सी मुखर्जी की अध्यक्षता में। ठीक है, एच सी मुखर्जी की अध्यक्षता में और अमेरिका के संविधान को बेस बनाकर हमारे संविधान के लिए मौलिक अधिकार या मूल अधिकार होने चाहिए ये अमेरिकी संविधान से लिया गया और हमारे मूल संविधान में सात प्रकार के मौलिक अधिकारों की क्या की गई बच्चों चर्चा की। ये तो रहा ऐतिहासिक विकास क्रम। अब हम आते हैं व्हाट इज राइट, अधिकार किसे कहते? चीर देंगे ये वाला अधिकार क्या? अधिकार किससे आप मांगते हैं, किस लिए मांगते हैं, कौन मांगता है? जीवन जीने का अधिकार, मरने का अधिकार, अभी सब आएगा। जीवन जीने के लिए तो आवश्यक होते हैं, जीवन जीने, सिर्फ जीवन जीना अच्छा जीना। हम किससे मांग करते हैं, क्यों मांग करते हैं? क्योंकि हम वहां के नागरिक। एक कॉन्सेप्ट है बच्चों ह्यूमन राइट, मानव अधिकार, और एक कॉन्सेप्ट है फंडामेंट। दोनों एक है या दोनों में अंतर है? कौन बड़ा है? मानव होने के नाते व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त हैं वो किसी देश की सीमा में बंधे हुए नहीं होते। वो व्यक्ति जन्मा है मनुष्य होने के नाते उसके नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं इसको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट। एक पाकिस्तानी कसाब है भारत में आता है, भारत में अटैक करता है और उसको हम तुरंत फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, उसको भी अपनी बात कहने का क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। किस अधिकार के अंतर्गत? ह्यूमन राइट की फंडामेंटल राइट। एक युद्ध बन रही है, शत्रु के खिलाफ कोई लड़ा है युद्ध में, शत्रु ने उसको युद्ध बंदी के तौर पर बंदी बना लिया, उसको कैंप में रखा गया, उसको कई तरह की बताना दी गई, लेकिन फिर भी उसको जीवन जीने का अधिकार है। उस देश के हिसाब से तो वो देश योगी है लेकिन फिर भी उसके कुछ राइट है। किस अधिकार के अंतर्गत? तो मतलब मेरे कहने का मतलब है ह्यूमन राइट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट फंडामेंटल राइट। और मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार एक देश के द्वारा देश की सीमाओं में रहने वाले लोगों अपने जीवन जीने के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियों के निर्माण के लिए जो आवश्यक दशाएं उपलब्ध कराई जाती हैं इसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। कि ये एक देश की सीमा में सिद्ध होते हैं, उस देश के अंदर आपके राइट का हनन होता है तो आप कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, इसको पहले लिखिए तो उसके बाद हम लोग मानव अधिकार। मानव होने के नाते ये आपने लिख लिया होगा ना, मानव का मानव होने के नाते
जो अधिकार प्राप्त होते हैं, जो अधिकार प्राप्त होते हैं जो किसी देश की सीमा में बंधे नहीं होते हैं, उन्हें हम मानव अधिकार कहते हैं। कनाडा के मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मानव अधिकार की तुलना में मौलिक अधिकार एक संकीर्ण अधिकार देश के संविधान से जो प्राप्त होते हैं, देश के संविधान से जो प्राप्त होते हैं, देश की सीमाओं में बंधे होते हैं, और मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, मानव अधिकार पर मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। जो किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध। अब ये राज्य क्या है, इसको हम देखेंगे अनुच्छेद 12 में, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे, मैं भूल जाऊं मुझे याद दिला दीजिएगा। मैंने क्या बोला, मानव पर मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं किसके विरुद्ध? राज्य। राज्य क्या है? परंतु परंतु इसी लाइन में कंटिन्यू करिएगा, कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त होते हैं। ये बात समझ रहे हो ना, ये लाइन जो है, अनुच्छेद 12 कहता है राज्य क्या है, राज्य के विरुद्ध है, लेकिन कुछ हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त होते हैं। कुछ फंडामेंटल कौन है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, पूर्वज, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का। अनुच्छेद 23 क्या है? बेकार का अंत।
मानव दुर्व्यवहार का अंत क्या 24 पे किसका है 14 वर्ष के बच्चों को हानिकारक या किसी भी व्यापार में नियोजित करने पर प्रतिबंध। यहाँ पर ध्यान देना कि जो मैंने आपको चार आर्टिकल बताए, एक व्यक्ति का शोषण किसके द्वारा किया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा। क्या तुम फलाना जाती हो, तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, तुम तो इसके हो, मैं उसके हूँ। यहाँ पर व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध ही अधिकार मिल रहे हैं। सामान्य रूप से हम किताबों में पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट होते हैं, स्टेट के। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स को किसके खिलाफ भी यूज किया जाता है, व्यक्ति का व्यक्ति के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार हैं, जिनका वर्णन हमारे मैंने अभी बताया कि मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं उनके विकास करने के लिए, ताकि वो अपने जीवन को सर्वोत्तम तरीके से क्या कर सके, जी सके। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनकी दो श्रेणियां हैं। कुछ फंडामेंटल राइट केवल और केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त होंगे, जैसे 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, अगर विदेशियों का इसमें हनन होता है तो वो इसकी संघर्ष के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, जबकि कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स, मतलब नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं और विदेशियों को भी प्राप्त। और कौन देखिए अगली लाइन, और कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, अनुच्छेद 22, और इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 25, 26, 27 और 28। ठीक है, 25, 26, 27 और 28। अच्छा, एक और चीज, हमारे जो मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, इनका नेचर, इनकी प्रकृति नेगेटिव है, मतलब नकारात्मक है। ये मना करते किसको, राज्य को और व्यक्ति को, कि ना कर किसी के अधिकार का हनन है या ऐसा काम ना कर जिससे कम होते हैं व्यक्ति की फ्रीडम, स्वतंत्रता और अधिकार, इक्वलिटी, राइट, जस्टिस, है ना, मना करते हैं। उनका नेचर कैसा है, नकारात्मक, नेगेटिव है। ठीक है, उसको लिख लेंगे, मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है। जबकि कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक
जैसे 19 डेफिनेशंस ऑफ स्टेट, राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत क्या है, राज्य में कौन शामिल है। इसमें बहुत से बच्चे पॉलिटिकल साइंस भी पढ़े होंगे, बीए खत्म में या एमए में, तो आप पढ़ते हो कि राज्य का मतलब होता है कंट्री, देश। यहाँ पर राज्य का मतलब वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सरकारी सेवा या निकाय या अधिकरण या संस्थान होते हैं जो कहीं ना कहीं जिनका जुड़ाव सरकार से हो, विधायिका, विधान मंडल, संसद, सरकारी पदाधिकारी, कोई सरकारी निकाय या क्या कोई व्यावसायिक निकाय जिनका स्वामित्व सरकारी हो, ये सारी किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति वर्सेस स्टेट या यूनियन ऑफ इंडिया। तो राज्य का मतलब कंट्री, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक मंत्रीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण या किसी निकाय में लगे हुए व्यक्ति इत्यादि इत्यादि। अभी हाल के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार BCCI है ना, जो हमारी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना ये किसके अंतर्गत आता है, राज्य की सीमा के अंतर्गत आता है। आप अपने समझने के लिए लिखिए, वो सारे सरकारी संस्थान जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, अभी मैं दिखाऊंगी एक लाइन है, सरकार से जुड़े होते हैं या सरकार से अपना क्या कहते हैं स्वामित्व प्राप्त करते हैं, इनको हम राज्य के अंतर्गत रख सकते हैं। इसमें लिखिएगा बच्चों, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्न निकायों को शामिल किया जा सकता है। भारत सरकार, नंबर वन, भारत सरकार एवं संसद, या मान लो आप यहां पढ़ रहे हैं अभ्युदय, आपका कोई डिस्प्यूट हो गया सर से या किसी से, क्योंकि ये सरकार के द्वारा संचालित है, तो आप भी उनके खिलाफ अगर आपकी लड़ाई होगी तो वहां पर आप स्टेट मतलब राज्य सरकार को आप क्या बनाओगे, अपना जो मतलब उसका प्रतिनिधि बनाओ। तो भारत सरकार और संसद, दूसरा लिखिएगा बच्चों, प्रत्येक राज्य की सरकार तथा विधान मंडल, प्रत्येक राज्य की सरकार तथा विधान मंडल भारत के अंदर सभी शासकीय एवं अन्य प्राधिकारी मूल, ठीक है, तो मूल अधिकार बेसिकली किसके खिलाफ, राज्य के खिलाफ होते हैं, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो अब अनुच्छेद 12 में पढ़ते हैं कि राज्य की परिभाषा में कौन आता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अनुसार वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या निजी संस्थान जो कहीं ना कहीं सरकार से कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट या स्वामित्व प्राप्त करते हैं, उनको भी हम राज्य की परिभाषा के अंतर्गत उनको शामिल कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 12 अनुच्छेद 13।
सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार कौन सा है तो आप इसका नाम लें। हालांकि माना जाता है रक्षा करने के लिए 32, लेकिन कहीं ना कहीं अनुच्छेद 13 जो है पूरे मौलिक अधिकार का क्या है, एक संरक्षण, एक गाइडेंस, एक क्या है उसको, एक संरक्षकता प्रदान करता है। तो क्या है ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 13? यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, अनुच्छेद 13 में कई चीजों का वर्णन है, बेसिकली चार इसमें सब क्लॉज है, 30A, 32, 33 और 34। एक एक लाइन में मैं समझा रही हूँ, मैं आपको लिखाऊंगी। 30A क्या कहता है, संविधान लागू होने के पूर्व की जो भी विधियां हैं, आपको पता है हमारे जब संविधान लागू हुआ था तो बहुत से प्रावधान एज इट इज भारत में क्या किए गए थे, यहाँ पे लागू हुए थे, ITC, CRTC, CPC, बहुत से प्रावधान, इंडियन इविडेंस एक्ट, इनको भारत में जो भी बनाया किसने था, ब्रिटिशर्स ने, लेकिन चूंकि यहाँ के सिस्टम को ये चल रहे थे, इनको एज इट इज ITC, CRTC को हमने क्या कर दिया, लागू। आर्टिकल 30A कहता है संविधान लागू होने के पूर्व की वह विधियां जो मूल अधिकारों से किसी भी मात्रा में असंगत या मूल अधिकारों को कम करती है, न्यून करती है या उनको समाप्त करती है, तो वो जहां तक वो मूल अधिकारों को समाप्त करती है, न्यून करती है या कम करती है, वहां तक वह अवैध या शून्य हो जाएगी। और इन पर न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात ज्यूडिशियल रिव्यू का पावर होगा। आपको पता है न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन हमारे संविधान ने कहां से लिया था, अमेरिका से, मार्बरी बनाम मेडिसिन। कौन सा केस की बात कर रही हूँ, मार्बरी बनाम मेडिसिन में अमेरिका में इस ज्यूडिशियल रिव्यू की चर्चा की थी। एग्जाम में ये भी आता है, ये ज्यूडिशियल रिव्यू हमारे संविधान में लिया गया, हमने अमेरिका से लिया, अमेरिका में किस बात से इसको लिया गया, तो वो क्या था, मार्बरी बनाम मेडिसिन। तो मैं आपको बता रही हूँ 31 क्या कहता है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की जो विधियां मूल अधिकारों को कम करती है, न्यून करती है, असंगत करती है, वो उस सीमा तक जीरो अर्थात शून्य हो जाएंगी और ऐसी विधियों पर न्यायालय को ज्यूडिशियल रिव्यू का पावर होगा। ठीक है, 32 यहाँ पर ध्यान रखना, समझिए 13A कहता है संविधान लागू होने से पहले, 13A कहता है संविधान लागू होने के बाद अगर सरकार ऐसी कोई, सरकार का मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकारें, ऐसी कोई विधि बनाती हैं जो फंडामेंटल राइट को कम करती है, हनन करती है, उसका उल्लंघन करती है, तो वो क्या हो जाएगी, बड़े सन्नाटा। ध्यान रखना 30A प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, पूर्व संविधान, संविधान लागू होने के पहले। 32 क्या है, संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद कानून कौन बना है, संसद या राज्य विधानमंडल। अगर कोई ऐसा कानून बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, अवैध। और इस पर न्यायालय को ज्यूडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त। 33 13 3 क्या कहता है, 13 3 कहता है विधि क्या है, विधि में आप किसको रखोगे, नियम, उपनियम, अधिनियम, अध्यादेश, ये सारे किसके सीमा के अंदर आएंगे, विधि। अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश निकाले, नियम बनाए, अधिनियम बनाए,
पर नियम बनाए तो ये सब किसके अंतर्गत आएगी, विधि अर्थात लॉ के अंतर आए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा फंडामेंटल राइट में विधि की विधि को किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है, तो आपका उत्तर होगा 13। ठीक है, 13-4 कहता है कि 368 जो हमारा संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है वो हमारे 13 में क्या नहीं होगा, वो इसमें लागू नहीं होगा। इसको चारों को लिख लीजिए बच्चों। ये 12 वाला लिख लिया था ना, 13 लिखिए, 13-1। अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(1) के अनुसार संविधान के लागू होने के पहले, संविधान के लागू होने के पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में लागू, भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि और मूल अधिकार में टकराव होता है तो मूल अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय
न्यायिक समीक्षा कर सकती है। और उसे शून्य घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 13(3) विधि शब्द को परिभाषित करता है। विधि के अंतर्गत निम्न प्रावधान या नियम। पहला, संसद अथवा विधान मंडल। कितने राज्यों में वर्तमान में विधान मंडल है? कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सातों जी। तमिलनाडु तो है नहीं, छह राज्यों में, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जिसमें 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ पर विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव क्या किया है, रखा है। और उड़ीसा एक ऐसा मतलब विधानसभा है जिसमें एक सदस्य है, जिसमें दूसरे सदस्य अर्थात विधान परिषद को स्थापित मतलब फिर से सृजित करने का प्रस्ताव रखा है। तो हो सकता है कुछ समय में ये डाटा फिर से चेंज। हम बात कर रहे हैं विधि में कौन आता है, संसद के द्वारा बनाए हुए अधिनियम और विधान मंडल के द्वारा बनाए हुए अधिनियम। दूसरा लिखिएगा, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। शासकीय आदेश, तीसरा पॉइंट में लिखेगा, शासकीय आदेश, नियम, विनियम और अधिसूचना। नियम, विनियम और अधिसूचना और संविधान। नियम विनियमों को क्लियर करने के लिए जो उसका स्पष्टीकरण बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं समिति। आगे लिखिएगा, इसी में चौथा पॉइंट और क्या विधि के अंतर्गत आता है बच्चों, विधि को विधि का बल रखने वाली रूढ़िया या प्रथाएं वो भी इसके अंतर्गत आती है। विधि का बल रखने वाली रूढ़ियां या प्रथाएं, इसका मतलब क्या हुआ? आपने नाम सुना है जल्दी कट्टू का? ये जो चौथा पॉइंट मैंने लिखवाया है ना, ये भी एक प्रथा कानून नहीं है। इसमें ये कहा गया कि ये सांड मतलब इसको जल्दी कट्टू के द्वारा सांडों को लेकर डराया जाता है और ये बात भी ये बात हुआ कि इससे जानवरों में क्या क्या हो रहा है। कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जितनी क्या होती है कोई कानून इसका उल्लंघन कोई नहीं। अभी वो जो मंदिर में प्रवेश वाला था सभी वाला, अभी तक ये प्रथा ही थी कि स्त्रियां
इसको हालांकि अभी भी बहुत से लोग हैं बीस किलो का प्रदेश क्या है, तो ये भी उनसे पॉइंट में आपने विधि को प्रथाएं और रूढ़ियों को रखा इसके अंतर्गत आप रख सकते ठीक है। ये थ्योरी ऑफ प्रत्यक्षपरनीयता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत थ्योरी ऑफ वैल्यू, ये क्या है? अधित्याग के सिद्धांत को पहले हम समझते हैं फिर इसको समझेंगे। क्या कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है, हाँ या नहीं? कर सकता है बट भारत में नहीं कर सकता। अमेरिका में ये प्रावधान है कि स्वेच्छा से अगर आप अपने राइट को फंडामेंटल राइट को छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, जबकि भारत में ये प्रावधान ये कहा गया कि क्या हम इस थ्योरी को लागू करें, अगर लागू करेंगे तो मे बी पॉसिबल समाज के बहुत से अनपढ़, अभी जब हमारा संविधान लागू हुआ तो साक्षरता बहुत कम थी, लिटरेसी बहुत कम थी, है ना, तो ये कहा गया हो सकता है कि इनके इन वंचित गरीब निसहाय लोगों को क्या हो, इतना ज्ञान ना हो क्या उनके हक में है क्या नहीं, तो वो उनकी मर्जी से नहीं हो वो उसको छोड़ नहीं सकते हैं ठीक है। इसके आधार पर कोई उनके ऊपर अत्याचार करे और कहे कि इसने तो ये वाले अधिकार को स्वयं छोड़ दिया था, ऐसा पॉसिबल नहीं है किसने भारत के समय। दूसरा है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर कोई विधि जो सरकार ने बनाई और वो अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन करती तो क्या पूरी विधि को शून्य घोषित किया जाएगा या उसके उस भाग को जितने मात्रा तक वो फंडामेंटल राइट का क्या कर रही है कम कर रही है या उसको हनन कर। इस सिद्धांत के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया बच्चों कि उस पूरी विधि को हम समाप्त या शून्य घोषित नहीं करेंगे, उतने ही भाग को जितना हम फंडामेंटल राइट को कम कर रही है या हनन कर रही है उतने पार्ट को हम हटा देंगे और बाकी को एज इट इज और विधि को जो सरकार ने या संसद या विधानमंडल ने बनाया है वो लागू रहेगी, इसी को हम बोलते हैं तो यहाँ पर ये स्वयं न्यायालय स्वयं भी दायर कर सकती है या कोई अगर उसके पास जाता है याचिका के तौर पर वो इसको भी ये देख सकती है। रुक जाओ मुझे तो पता है टाइम हो गया, अभी तो हमने अभी आपके फंडामेंटल राइट को शुरू ही नहीं हुआ और टाइम हो गया। चौथा चौथा नहीं लिखा है क्या, देखिए मौलिक अधिकार को छीना नहीं जा सकता है और छीना कहा गया है वो तो कानून बनाकर उसको विधिक अधिकार में डाला है और ये कहा गया है कि अगर आपकी संपत्ति को कोई आपकी कोई खेत है मान लो फॉर एग्जाम्पल और वहां पर सड़क बन रही है सरकार की तरफ से है ना, तो ये नहीं कि आपकी खेत को छीन लिया जाए, ये कहा जाएगा जितना आपका बाजार रेट है मुआवजा पैसा वो सरकार आपको दे ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते। यहाँ पर जो अधिकार है हमारे संविधान में प्रदान किए गए बच्चों ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है ये अत्यंतिक तरीके को शब्द यूज होता है, अत्यंतिक मतलब ये दो को दो नहीं को देख लेना ऐसा नहीं है, इसके खिलाफ की युग क्या है निर्बंधन
इसको हम धीरे धीरे करके रखेंगे। कुछ अपवाद भी हैं और कुछ इसमें लिमिटेशन भी हैं। 13-4 या प्रबंध 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 13 के उपबंध अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संविधान संशोधन में लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 13 के उपबंध अनुच्छेद 368 में किए गए संविधान संशोधन में लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रश्न उठता है कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो अगला जो पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं, मौलिक अधिकारों के संशोधनीयता। संकरी प्रसाद वाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, संकरी प्रसाद वाद बना भारत संघ 1951। देखो यहाँ पे तीन जो बहुत ज्यादा फेमस जो वाद हुए हैं इनकी चर्चा में करूंगी। पहला है संकरी प्रसाद, दूसरा है गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस वो तो केशवानंद भारती है पंजाब राज 1967, और तीसरा है केशवानंद भारती बना केरल राज्य किस ईयर? 1973। अच्छा, हमको रटना है, समझना है और दिमाग में बैठाना है कि क्या संसद, देखो 368 क्या है, संविधान में संशोधन कर सकती है। और आपको पता है हमारे यहाँ जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, वो दोनों है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, मतलब आसानी से भी चेंजेस हो सकते हैं और उसमें लचीला मतलब कठोर भी है। लेकिन जब बात संविधान संशोधन की आती है तो कहा जाता है कि इसमें बहुत सामान्य बहुमत से संशोधन ना होगा, विशेष बहुमत अर्थात 368 के अंतर्गत इसमें संशोधन। आपको क्या दिमाग में रखना है, मैंने तीन केस आपको लिखाए बताए, पहला केस संकरी प्रसाद, दूसरा केस गोलकनाथ, तीसरा केशवानंद भारती, और तीनों में आपको रखना है ये कह रहा है संसद संविधान में संशोधन।
संशोधन कर सकता है। ये कह रहा है संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है, और ये कह रहा है संसद संविधान में संशोधन कर सकता है बशर्ते हनन न हो। इसका बेसिक स्ट्रक्चर कर सकता है नहीं कर सकता है, कर सकता है बट, ये तीन लाइन अगर आप याद रखेंगे तो आपको वर्तमान जो फीचर है वो क्लियर हो जाएंगे। वर्तमान में ये है कि अनुच्छेद संविधान में संशोधन मात्र 368 के तहत हो सकता है, साधारण बहुमत से नहीं। ठीक है, दैट्स इट। अगली क्लास में हम लोग समानता के अधिकार के केशवानंद भारतीय जी ने केरल के एक मठाधीश थे, जितनी संपत्ति है उसने कहा कि संपत्ति को छीन ली। आपको पता है